आप देख सकते हैं मेरे पीछे DTC की जो बस निकल रही है, ये दिल्ली से नोएडा की तरफ जा रही है, लेकिन उन ज़रूरी लोगों को लेकर जो कि हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि नोएडा का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन भी बेहद सख्त है, चेकिंग चल रही है, उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन है जो बेहद ज़रूरी सर्विसेज हैं, जैसे कि खाने पीने का सामान हो या मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े हुए लोग हों। वहीं मीडिया कर्मियों को भी अब सरकार की तरफ से पास जारी किया गया है, यानी कि मीडिया कर्मी सिर्फ अपने आई कार्ड पर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, उनको ज़िला प्रशासन से मिला कार्ड भी दिखाना होगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि लगातार स्क्रीनिंग लोगों की जा रही है, यानी जो भी गाड़ी आ रही है बाकायदा उससे सवाल जवाब किया जा रहा है। यहाँ पर नोएडा पुलिस के साथ नोएडा ट्रैफिक पुलिस भी है, लोगों से पूछा जा रहा है और गाड़ी को रोककर फिर उनकी चेकिंग की जा रही है और उनसे ज़रूरी दस्तावेज़ भी मांगे जा रहे हैं कि क्या उनके पास वैलिड पास है जिससे वो बॉर्डर क्रॉस कर सकें। वहीं स्क्रीनिंग भी ली जा रही है। मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से स्क्रीनिंग लेने का काम किया गया है, तो स्क्रीनिंग ली जा रही है, स्क्रीनिंग के बाद ही आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो बाइक आ रही है, इस पर दो लोग बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, तो इनसे भी बाकायदा बातचीत की जा रही है, पहले इनसे इनका पास मांगा जा रहा है और अगर इनके पास ज़रूरी सामान नहीं है तो इनको वापस भेजा जा रहा है। तो जो लोग वाकई ज़रूरी हैं, जैसे कि अभी आपने कार को देखा, इनके पास वैलिड पास था, इनकी स्क्रीनिंग की गई और इनको जाने की परमिशन मिली, लेकिन ये जो बाइक सवार हैं, एक बाइक पर दो लोग बैठे हुए हैं, हालांकि इन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन इनके पास वैलिड पास नहीं है और इसलिए इनकी स्क्रीनिंग भी नहीं की जा रही है, क्योंकि इनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं गाड़ी भले ही पुलिस की क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी चेकिंग की जा रही है और लोगों से स्क्रीनिंग करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बिना स्क्रीनिंग के जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना है, चाहे पुलिसकर्मी हो, स्वास्थ्यकर्मी हो या पत्रकार हो, किसी को भी कोरोना हो सकता है, इसी के लिहाज से लगातार स्क्रीनिंग की जा रही है।